25 जून 2021 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई रे मशहूर फिल्म डायरेक्टर सत्यजीत रे का लिखी हुई शॉर्ट स्टोरीज पर बेस्ड है। इन स्टोरीज को लिखे हैं नीरन भट्ट और सिराज अहमद ने। ये एक इंडियन एंथोलॉजी वेब सीरीज है। एंथोलॉजी मतलब अलग अलग कहानियों पर बेस्ड एक सीरीज। इसमें 4 एपिसोड्स है जो कि 4 अलग अलग कहानियों पर बेस्ड है और हर एक एपिसोड एक से बढ़कर एक, हर एक कहानियां एक से बढ़कर एक। सबसे पहला एपिसोड है फॉरगेट मी नॉट। अली फजल जो कि इप्सित रामन नय्यर के कैरेक्टर में है, वो इंडिया का एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है। वो एक ह्यूमन कंप्यूटर है जो कि कभी कुछ भी नहीं भूलता है। वो अपनी ज़िंदगी के 7 दिन भूल जाता है। जिन 7 दिनों में उसकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ घटनाएं घटी, वो उसको याद ही नहीं कर पाता है। 2017 के इन 7 दिनों में वो औरंगाबाद जाकर वहाँ के होटल्स में रुका, अजंता केव में घूमा, किस किस से मिला, कुछ भी उसको याद नहीं आता है। जबकि उसके सारे पुराने दोस्त यही बताते हैं कि यह 7 दिन वो अजंता केव में था। बस इन्हीं 7 दिन को लेकर ये कहानी है। आखिर हुआ क्या था, क्यों उस वक्त को याद नहीं कर पाता है। दूसरा एपिसोड है बहरुपिया। के मेनन जो कि इंद्रशी शाह नाम के कैरेक्टर में है, वो एक मेकअप आर्टिस्ट है और देवश्री नाम के एक्ट्रेस को प्यार करता है, पर देवश्री नहीं चाहती कि उसे शादी करके अटक जाए। उसे काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस बनना है। इंद्रशीश का पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स है। उसका बॉस उससे खफा रहता है, उसे नौकरी से निकालना चाहता है और इंद्रशीश चाहता है कि इन सबसे बदला लिया जाए। उसकी दादी मरते वक्त उसके नाम पे काफ़ी कुछ पैसा भी छोड़ के जाता है। वो कैसे इन सिचुएशन से बाहर निकल पाता है, कैसे सबको सबक सिखाता है, इसी पर बेस्ड है कहानी। तीसरा एपिसोड है हंगामा क्यों है बरपा। ग्रेट आर्टिस्ट मनोज वाजपेयी इसमें मुसाफिर अली नाम के कैरेक्टर में है। मुसाफिर अली एक मशहूर शायर है जिनके फैंस चारों तरफ है। मुसाफिर अली शुरुआत में एक ट्रेन जर्नी करते हैं। उस ट्रेन जर्नी में वो असलम बेग नाम के एक शख्स से मिलते हैं जिनसे वो ऐसे ही किसी ट्रेन जर्नी में 10 साल पहले मिल चुका था। मुसाफिर अली का एक बहुत बुरा आदत रह चुका है दूसरों का सामान चोरी करने का। चाहे कोई रीज़न हो या नहीं, वो दूसरों का सामान चोरी करता है। और खुश वक्त को चोरी करने के बाद से मुसाफिर अली का समय बदल गया था। क्या असलम बेग को पता चल पाता है कि मुसाफिर अली ने ही उनका प्यारा घड़ी खुश वक्त को चोरी किया था? क्या मुसाफिर अली इस सिचुएशन से बाहर आ पाता है? कहानी इसी पर बेस्ड है। इस एपिसोड में जिस तरह से स्टेज सजाया गया है, जिस तरह से ट्रेन में खड़े होकर मुशायरा करते हैं, पूरी तरह से दिल को छू लेता है। मनोज वाजपेयी का किरदार मतलब पूछिए ही मत, इतना शानदार वो एक्टिंग करते हैं और कहानी का तो कोई जवाब ही नहीं। आखिरी एपिसोड का नाम है स्पॉटलाइट। इसमें एक्टिंग की है हर्षवर्धन कपूर ने। हर्षवर्धन एक फेमस एक्टर है जिसका नाम है विक्रम अरोड़ा उर्फ विक। विक फेमस है अपने लुक के वजह से। उसका लुक में पूरी दुनिया पागल है और विक का घमंड भी बढ़ते जाता है, पर उसके घमंड को रोक देता है दीदी। ये दीदी एक धार्मिक लेडी है जिनके पीछे पूरी दुनिया पागल है, विक का बॉस भी, सिर्फ विक को छोड़ के। और विक को पसंद नहीं है कि उसके सामने कोई दीदी को माने। विक इसी सिचुएशन में अंदर ही अंदर कूदता रहता है। विक को संभाल पाता है सिर्फ उसका मैनेजर रॉबी। दीदी के किरदार में है राधिका मदन। आखिर होता क्या है, क्या विक का अहंकार टूटता है, क्या दीदी उसके सामने जीत जाती है या विक जीतता है? कहानी इसी पर बेस्ड है। दोस्तों चारों कहानियां अलग अलग है, लेकिन जो चीज़ इन चारों कहानी में कॉमन है वो है इसका फैंटेसी वर्ल्ड। चारों कहानियां फैंटेसीज पर बेस्ड है, पूरी तरह से अलग अलग दुनिया, ऐसी दुनिया जो कि वर्तमान में तो है पर नहीं है। एक से बढ़कर एक कहानियां, हर एक सुपरहिट, हर एक जीनियस है दोस्तों। ये कहानियों को लिखने वाले और डायरेक्टर, मतलब मेरे मुंह में तो शब्द नहीं है कि मैं किस किस को क्रेडिट दूं। एक्टर्स भी एक से बढ़कर एक। ऐसी कहानियां ऐसे ही नहीं बनते दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद में बन पाती है। दिल को छू लेने वाली कहानियाँ, एक्टिंग, एडिटिंग, प्लॉट्स, सेट्स, कोई चीज़ में 1% भी कमी नहीं देखने को मिलेगी। आपके हमारे एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड लेवल पे है ये। मैंने ऐसा सीरीज पता नहीं कितने सालों बाद देखा। हालांकि किसी और के साथ में तो इसका कंपैरिजन ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी ऐसा सीरीज सोचने पर मजबूर कर देता है कि इतना टैलेंट कहाँ से आता है। जीनियस है सब, एक से बढ़कर एक। हाँ, कुछ सीन्स ऐसे हैं कुछ एपिसोड्स में कि आप इसे फैमिली के साथ में नहीं देख सकते हैं, बाकी इस सीरीज को तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। मेरी तरफ से इस सीरीज को जाता है 4.5 out of 5।
तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।